क्या हुआ जब पुनर्जन्म के 8 साल बाद पहुंचा अपने पहले घर और दिलवाई अपने ही कातिलों को सजा। इस घटना की सच्चाई जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, बात है महाराष्ट्र के जलगांव की। एक प्रजापति परिवार में बहुत ही सुंदर पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम आदित्य रखा गया। आदित्य बचपन से ही सामान्य बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं था। वो अपनी ही परछाई से बहुत ज़्यादा डरता था। वो अकेले कमरे में भी नहीं रह पाता था, इसलिए उसके माता पिता कभी उसको अकेला नहीं छोड़ते थे और हमेशा उसके पास ही रहते थे। और धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी, वैसे ही उसकी हरकतें भी बहुत अजीब हो रही थी। वो सोने में तकिए का इस्तेमाल भी नहीं करता था क्योंकि तकिए से भी उसे बहुत डर लगता था। उसके माता पिता ने डॉक्टर से भी संपर्क किया, परंतु डॉक्टर्स का कहना था जैसे जैसे समय के साथ ये बड़ा होगा इसकी यह हरकतें अपने आप बंद हो जाएगी। एक समय की बात है जब आदित्य 8 वर्ष का हो चुका था, वो अपने पिता के साथ सोफे पर बैठ करके मूवी देख रहा था। उस मूवी में एक सीन आता है जहां एक पत्नी अपने ही पति को बहुत बुरी तरह से मार देती है, और टीवी में यह नज़ारा देखकर आदित्य का दिमाग पूरी तरह से घूम गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, और इतने में ही वो बेहोश हो गया। उसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे कि अचानक इसे क्या हो गया। उसके बाद पानी की कुछ बूंदें डालकर जब उसे उठाया गया तो उसने कहा कि आप लोग कौन हैं और मैं इस घर में कैसे आया। मेरा नाम तो राजेश है और मेरी बीवी कहाँ है, मुझे उससे अपनी हत्या का बदला लेना है। 8 साल के बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सभी लोग बहुत ही हैरान थे, परंतु ये अजीब आदतें उसके माता पिता तो बचपन से ही सहन कर रहे थे और अब उन्हें भी ये बात कहीं ना कहीं खटकने लगी थी कि इसके पीछे जरूर कुछ सच्चाई है। उन्होंने उससे पूछा कि बताओ आखिर तुम हमें क्या बताना चाहते हो, किस राज की तुम बात कर रहे हो और कौन सी सच्चाई सबके सामने लाना चाहते हो। तब उसने बताया कि मेरा नाम राजेश परमार है और मैं महाराष्ट्र के पुणे में रहता था। मेरी शादी के 10 वर्ष बाद मेरी बीवी की मृत्यु हो गई और उसके जाने के बाद खुद के सहारे के लिए मैंने एक और औरत से शादी कर ली, परंतु मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह औरत सिर्फ और सिर्फ पैसों और मेरी प्रॉपर्टी के पीछे मुझसे शादी कर रही है। एक समय की बात है जब उसने मुझसे कहा कि आज छुट्टी का दिन है, क्यों ना हम छुट्टी मनाने अपने फार्म हाउस पे चलते हैं। हमारा फार्म हाउस शहर से थोड़ा दूर था और उसके आसपास गहरे जंगल थे। मैंने उसकी बात मान ली और हम छुट्टी बनाने फार्म हाउस पर चले गए, परंतु मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज मेरे ही खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उस फार्म हाउस पर उसने पहले से ही अपने प्रेमी को बुला रखा था और मेरी प्रॉपर्टी हथियाने के इरादे से उन दोनों ने मिलकर तकिए से मेरा दम घोटकर मेरी हत्या कर दी और उसी फार्म हाउस के बाहर बगीचे में मेरी लाश को दफना दिया। लेकिन अब मैं पुनः लौट आया हूँ और अब मैं उस घटिया औरत और उसके प्रेमी को सजा दिलवा कर रहूंगा। इतने छोटे बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें वाकई में हैरान करने वाली थी। उसके माता पिता ने भी इन सभी बातों को बहुत सीरियस ले लिया और वे आदित्य को लेकर के पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में एक पुलिस ऑफिसर को बताया। उसने उनकी मदद भी की, परंतु उसका कहना था कि पुनर्जन्म की इस घटनाओं में कोर्ट यकीन नहीं करता है। कोर्ट यकीन करता है तो केवल सबूत में, हमारे पास सबूत होना चाहिए, उसके बाद हम उन दोनों को गिरफ्तार कर सकते हैं। और बहुत सोचने के बाद आदित्य रूपी राजेश को यह याद आया कि मुझे मारने के बाद उन्होंने मेरी लाश को तो वही फार्म हाउस के गार्डन में दफनाया था, तो हो सकता है वहां पर मेरे अवशेष अभी भी मौजूद होंगे, जिससे ये बयां हो सकता है कि सच में इन दोनों ने मेरी हत्या की थी। अब वे लोग एक पुलिस दल के साथ में उस फार्म हाउस पहुंचे और राजेश द्वारा बताए गए एक निश्चित स्थान पर खुदाई करना प्रारंभ किया, और फिर जो हुआ उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए क्योंकि वहां सचमुच में राजेश का कंकाल मौजूद था, जो यह दावा करता था
कि आदित्य के रूप में राजेश जो कुछ भी बोल रहा है वो बिल्कुल सत्य है और राजेश का पुनर्जन्म ही आदित्य के रूप में हुआ है अपने हत्यारों को सजा दिलवाने के लिए। इसके बाद प्राप्त सबूतों के आधार पर उस औरत व उसके प्रेमी को जो कि राजेश जी की प्रॉपर्टी पर अय्याशी कर रहे थे दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और हत्या के आरोप में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वास्तव में दोस्तों ये महादेव की ही लीला है कि किस तरह से बेगुनाह राजेश को पुनः जन्म के माध्यम से आदित्य के रूप में इंसाफ मिल पाया। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा पुनर्जन्म को लेकर आपके क्या विचार है, आपको इस बारे में क्या लगता है, यह घटना सत्य है या असत्य। हम तो मानते हैं यह बिल्कुल 100% सत्य है। अगर आपको यह घटना पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेवे ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।